हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं इडली की रेसिपी। तो मैं इडली किस तरीके से बनाती हूं आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और देखिए, मेरी इडली बिल्कुल फूली हुई, लाइट वेट और सॉफ्ट बनती है। तो मैं इडली बनाने का सही तरीका सही माप के साथ आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, मैंने जैसे कि एक कटोरी सूजी ले ली है, तो मैं उसमें कटोरी के माप से ही लेती हूँ। एक कटोरी सूजी तो एक कटोरी दही। अब फैमिली मेम्बर के हिसाब से मैं लेती हूँ सूजी और दही, तो लेकिन माप यही होगा कि एक कटोरी सूजी ली है अगर, तो एक कटोरी दही लेनी है। और मैं इसे भिगो कर रख दूँगी कम से कम एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। तो जब भी आप इडली बनाएं तो सूजी को एक घंटा पहले भिगो कर रख दीजिए। अब इसे अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पेस्ट को ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ज़्यादा पतला करना है। देखिए, इस तरीके का आपका पेस्ट होना चाहिए। तो अभी हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक और चीनी। देखिए, नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा नमक डालना है और 1 से 1.5 चम्मच डाल देनी है इसमें चीनी। चीनी इसलिए डालते हैं कि चीनी से जाली बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन चीनी और नमक याद रखिएगा, 1 घंटे के बाद डालनी है, जब हमारा ये सूजी फूल जाएगी अच्छे से। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें लगा देंगे हम राई का तड़का। राई का तड़का लगाने के लिए मैंने एक लोहे का चमचा ले लिया है और इसमें चढ़ा दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें राई डाल दूंगी। राई को अच्छे से के बाद डाल देंगे हम अपने पेस्ट में। देखिए, इडली में राई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो राई का तड़का ज़रूर लगाएं। ये देखिए, अभी मैंने राई डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारा पेस्ट इडली बनाने के लिए तैयार है। अब इसमें मेन एक चीज़ हमें बिल्कुल तभी डालनी है जब हम पेस्ट को सांचों में डालेंगे। तो अभी मैं बाउल में निकाल लेती हूँ उतना पेस्ट जितना कि मैं अपने सांचों में मेरे सांचों में आएगा। तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा खाने का सोडा। देखिए, ना ही तो यहाँ मैं इनो यूज कर रही हूँ, ना ही बेकिंग पाउडर, यह है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा इसमें थोड़ा सा डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए चला देंगे और अब ये हमारा पेस्ट तैयार है इडली बनाने के लिए। तो अब हम अपना इडली स्टैंड सेट कर लेते हैं। तो अब ये इडली स्टैंड तैयार हो गया है हमारा। अब इसमें लगा देंगे थोड़ी थोड़ी सी चिकनाई, चाहे तो आप घी यूज कर सकते हैं और चाहे तो तेल, और उसके बाद हम अपना पेस्ट डाल देंगे सांचों में। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा 4 सांचे वाला स्टैंड है, तो इसमें 16 इडली एक बार में तैयार हो जाती हैं। देखिए, इडली को आप बनाकर 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं, और जब भी मन करे या तो फ्राइड या फिर सांभर के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अब मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैंने 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है। पानी को उबाल आने के बाद मैं स्टैंड उसका अपना उसमें रख दूंगी, और ये मैंने कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल दी है, तो इसे ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे। अब हम अपना टाइम देख लेंगे घड़ी में, और 10 मिनट के लिए हमें ये स्टीम करनी है। तो 10 मिनट के बाद हम अपना कुकर खोल लेंगे और चेक कर लेंगे अपनी इडली। ये देखिए, अब हमें इन्हें किसी भी तरीके से चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती हैं। देखिए कितनी फूली हुई और कितनी अच्छी हमारी इडली तैयार हुई है। अब हम इसे कपड़े की हेल्प से स्टैंड को आराम से निकाल लेंगे। और अपनी प्लेट्स को खोलकर एक चाकू की हेल्प से, अपनी या चम्मच की हेल्प से सारी इडली को निकालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फूली हुई इडली हमारी बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया इडली हमारी तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से इडली ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये इडली बनाने का तरीका। ये देखिए, तो आप सभी भी बनाइए, ट्राई कीजिए। आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।